तो दीपावली के बाद वायु प्रदूषण में उछाल देखने को मिला। प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय की समीक्षा बैठक, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है, हाई हो गया, यानी कि AQI 300 के करीब पहुंच गया है। जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही हुआ, AQI 300 के करीब। वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है दिल्ली NCR में। हालांकि थोड़ी राहत जो प्राकृतिक बारिश थी उससे जरूर मिली, मौसमी बारिश उसे आप कह सकते हैं, परिवर्तन मौसम में परिवर्तन करने के लिए जो बारिश थी। लेकिन उसके बाद अब दिवाली का त्यौहार बीच में पड़ा, दिवाली में लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल किया और उसके बाद AQI लगातार बढ़ता गया। अब समीक्षा बैठक पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल राय करेंगे। इससे पहले भी वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दिवाली के बाद स्थिति देखेंगे, उसके बाद समीक्षा होगी। तो वही समीक्षा बैठक अब करेंगे 12 बजे। और क्या दिल्ली में वो तमाम प्रोसीजर्स लागू किए जाएं, क्योंकि ग्रेव 2 से लेकर ग्रेव 4 तक लागू है, क्या ऑडिवन को लागू करना अभी ज़रूरी है, क्या ऑडिवन एक बेहतर कारगर विकल्प साबित होगा, क्योंकि हर साल इस तरीके से प्रदूषण आता है। तो तमाम जो रूल्स हैं वो दिल्ली सरकार की ओर से लगाए जाते हैं। इस बीच राजनीति भी प्रदूषण को लेकर देखने को मिलती रहती, चाहे वो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री द्वारा उठाए गए सवालों की बात करें। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेश, 12 बजे बैठक होगी समीक्षा बैठक, जैसा कि हमने जिक्र भी किया था, अब पर्यावरण मंत्री इस बैठक में कुछ खास ऐलान करेंगे बैठक के बाद, ऐसा संभवतः माना जाए। देखिए, पिछले दो दिन में अगर आपने भी देखा होगा, बारिश हुई थी और हवा चली थी, AQI का स्तर जो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, उसकी स्थिति में सुधार हुई। और अब ऐसे में, क्योंकि दिवाली की अगली सुबह है और दिल्ली NCR में जमकर पटाखेबाजी हुई, हालांकि दिल्ली में पटाखे बैन थे, उसके बावजूद भी पटाखे जलाए गए। अब ऐसे में दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई है मौजूदा स्थिति को लेकर, जो AQI का लेवल है उसको लेकर भी चर्चा होगी, साथ ही साथ जो ऑड इवन, क्योंकि पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि दिवाली के अगले दिन ही एक सप्ताह के लिए दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू कर देगी, यानी कि 13 से 20 नवंबर तक, लेकिन इसको फिलहाल टाल दिया गया क्योंकि मौसम में बदलाव आया था और AQI के स्तर में सुधार हुआ था। और साथ ही साथ कृत्रिम बारिश को लेकर भी IIT कानपुर के साथ चर्चा हुई थी, उसका पूरा जो खाका था वो भी तैयार कर लिया गया था, उस पर भी फिलहाल बैठक के अंदर चर्चा होगी कि आगे क्या कृत्रिम बारिश करने पर विचार करेगी सरकार या फिर ऑड इवन को लागू कर सकती है। दोनों ही जो बड़े फैसले हैं इनको लेकर बैठक के अंदर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो मौजूदा AQI का लेवल है 300 के आसपास जो है, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर बना हुआ है, तो ऐसे में उसको लेकर भी चर्चा होगी कि इसको बेहतर कैसे किया जा सके, क्योंकि ग्रेव 4 तो लागू है ही, साथ ही साथ विंटर एक्शन प्लान के तहत भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में 12 बजे तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक करेंगे, मौजूदा परिस्थिति को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ ऑड इवन को लेकर चर्चा होगी, कृत्रिम बारिश कराने को लेकर चर्चा होगी। तो ये कई अहम फैसले हो सकता है सरकार बैठक के बाद घोषणा करे, क्योंकि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। लेकिन अगर पूरे AQI को देखा जाए तो सबसे बड़ा ये इसमें आरोप जो है दिल्ली सरकार लगा रही है कि BJP भारतीय जनता पार्टी अगर सहयोग करती तो शायद स्थिति कुछ और होती। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखे नहीं जलने चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले ही बैन कर दिए थे। अब BJP ने इसका विरोध किया था और खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करती तो शायद स्थिति इसके विपरीत होती और प्रदूषण थोड़ी बेहतर स्थिति में, यानी कि AQI का जो लेवल है बेहतर स्थिति में होता, ना कि 300 के पार पहुंच जाता, क्योंकि हरियाणा में भी पटाखे जलाए गए, उत्तर प्रदेश में भी पटाखे जलाए गए और दिल्ली के कई इलाकों में भी पटाखे जमकर जले हैं। तो ऐसे में उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है और AQI का जो लेवल है मौजूदा स्थिति में 300 के आसपास बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल देवेश, कई सवाल हैं, बेहद अहम सवाल भी हैं, क्योंकि
लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार ये सवाल उठा चुका है। माननीय न्यायालय की तरफ से कहा जा चुका है कि अपने अपने राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करें और सुनिश्चित करें कि प्रदूषण ना हो, प्रदूषण कम हो। बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे वो ऑडिविन को लेकर सवाल खड़े करने वाली बात हो या फिर अलग अलग पॉलिसीज को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जमीनी स्तर पर चीजें नहीं दिख रही हैं, सुधार होना चाहिए, सुधार क्यों नहीं हो रहा। अब 12 बजे जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्री की तरफ से, और उसका जमीनी स्तर पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इस पर आप नजर बनाए रहें। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।